स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी के कुल 40 क्वेश्चन। इन 40 क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है, और आपको ये भी बताना है कि 40 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं और कितने रॉन्ग। तो दोस्तों बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, ये सामान्य हिंदी का लाइव टेस्ट 7वां होगा, चाहे आप इसको प्रैक्टिस सेट मान लें या लाइव टेस्ट मान लें, तो ये आपका लाइव टेस्ट 7वां होगा। और इसमें क्वेश्चन की संख्या जो होगी, प्रश्नों की संख्या कुल 40 है। चाहे आप लोग कमेंट करके आंसर बताएं, या भी ये भी बता सकते हैं कि आपके कुल आंसर कितने सही हैं, 40 में कितने क्वेश्चन सही हैं आपके। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विपरीत जीवा द्वारा उत्पन्न होने वाली हिंदी भाषा का स्वर है। आ बड़ा ई उ, क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। आंसर हो जाएगा बी, यानी बड़ा। नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को कहते हैं वाक्य, शब्द, स्वर या वर्णमाला, क्या कहते हैं बताइए कमेंट्स करके। तो वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसे कहते हैं ए व्यंजन, बी शब्द, सी वाक्य, डी वर्ण, क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। तो आंसर होगा वर्ण। नेक्स्ट है, ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए होगा आस्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रहों के बीच का स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। ए आकाश, बी घुलोक, सी अवकाश, डी अंतरिक्ष, तो क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। अंतरिक्ष। नेक्स्ट है, जो इंद्रियों को अनुभूत से परे हो के लिए उचित विकल्प चुनिए। अप्रत्यक्ष, इंद्रियातीत, अनुभवातीत, ज्ञानातीत, क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। आंसर होगा इंद्रियातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। पृष्ठभूमि, निपथ, मंच पृष्ठ या ग्रह मंच, क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। आंसर होगा बी नेपश। नेक्स्ट, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है तवांग्नि, वडवाग्नि, जठरांग्नि, मदनांग्नि, क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। तो आंसर होगा जठरांग्नि, आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट, दिशाएं ही जिनका वस्त्र उन्हें कहा जाता है। विशंबर, दिक्पाल, दिगंबर या पैगंबर, क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। दिगंबर। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटे लगने का मुहावरे का क्या होगा। ऑप्शन है आपके, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, अचानक कोई लाभ होना, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, भाग से कोई वस्तु मिल जाना, क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना। नेक्स्ट है, आंख लगना का मुहावरा होगा आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना, क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। आंसर होगा नींद आना। नेक्स्ट है, आ बैल मुझे मार का मुहावरा होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, छेड़छाड़ करना, किसी को भी गाली देना, बैल के सामने बैठ जाना, क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना, आंसर हो जाएगा ए आपका। नेक्स्ट है, पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, रामधानी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भगवती चरण वर्मा, क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। तो पंच परमेश्वर के रचनाकार हैं प्रेमचंद, आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं नागार्जुन, अज्ञेय, ज्ञानेंद्र, मोहन, राकेश, तो क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। तो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रलेखा के रचनाकार हैं यशपाल, भगवती चरण वर्मा, सुमित्रा नंद्रपंत या अमृत लाल नागर, क्या आंसर होगा चित्रलेखा के रचनाकार के। भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है, कौन सी कहानी हिंदी की प्रथम कहानी मानी गई है। दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, इंदुमती, गुलबहार, क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। इंदुमती। नेक्स्ट है, काशी नागरी पचारणी सभा की स्थापना कब हुई। 1884 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, तो क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कौन सा कवि छायावाद नहीं है। निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, क्या होगा आंसर आपका
बताइए कमेंट करके। आंसर होगा सी अग्गे। नेक्स्ट है, उनकी वक्रता ने सभी को मुग्ध कर दिया। ऑप्शन है वक्तृता, वक्तृता, वक्तृता या वक्तृता। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट करके। तो आंसर होगा डी आपका। 20वां क्वेश्चन है, शिक्षा का सर्वभूमिकरण आज एक अनिवार्यता है। क्या आंसर होगा ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगंतुक के समक्ष ही उसने दुर्व्यवहार किया तो उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्व शब्द का चयन करो। बालिका, बेंत, आज्ञा, सिद्धि। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। तो आंसर होगा बेंत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्व शब्द का चयन करो। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। आंसर हो जाएगा अंधेरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्व शब्द का चयन कीजिए। उन्मूलन, नाच, आभार, आसव। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट्स करके। आंसर होगा नाच। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए, यानी सबसे अलग। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट करके। मानसिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट करके। घर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। चर्चा, विवरण, बखान, तर्क। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट करके। विवरण। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार जो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रतीक, रूपक या यमक। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसमें प्रतीक अलंकार होगा। नेक्स्ट है, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, व्युत्पत्ति, विभावना या भ्रातिमान। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट करके। आंसर होगा विभावना। नेक्स्ट, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? बताइए कमेंट्स करके आंसर क्या होगा। तो वहां पे संधि अलंकार होता है। नेक्स्ट, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधन आचार, अतिधनचार, अत्याधनचार, अतिधन आचार। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। तो अतिधन आचार आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्धन अंबर, दिक्धन अंबर, दिगंबर, दिक्धन अंबर। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट करके। दिक्धन अंबर आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, उड़यन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन डयनम, उर्धन डयनम, उद्धन डयनम, उर्धन डयनम। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट करके। आंसर हो जाएगा उत्धन डयनम। नेक्स्ट है, प्रत्युपकार समासिक पद का विग्रह है। उपकार के प्रति इस पद में जो समास है वह है अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, कर्मधार समास, तत्पुरुष समास। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट्स करके। अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट है, गगन चुंबी जिसका विग्रह है, गगन को चुमने वाला में कौन सा समास है? कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, बहुपुरी समास, अव्ययीभाव समास। कौन सा इसमें आंसर होगा? तत्पुरुष समास होगा आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष शब्द का विग्रहित अच्छ के प्रति में कौन सा सामासिक नियम प्रत्यत है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधार समास। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसमें आंसर होगा अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है, हट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आग्रह, जिद, विग्रह, दुराग्रह। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसमें आंसर होगा विग्रह। नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची शब्द है कुसुम, पुष्प, प्रसून या पुंडीर। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट करके। तो इसमें आंसर होगा पुंडीर। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिरण का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, तुरंग, सारंग या मृग। क्या आंसर होगा बताइए कमेंट करके। आंसर होगा मृग। नेक्स्ट है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाजीगर, राजराज, मदभा या विनायक। क्या होगा आंसर बताइए कमेंट करके। आंसर होगा विनायक। तो दोस्तों, ये था आपका लाइव टेस्ट 7वां, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या थी 40। आपको बताना है कि आपके इन 40 क्वेश्चन में कितने आंसर सही हुए और कितने गलत। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो नए दोस्त हैं, जो अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।